लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विकास समन्वय तथा समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करनाल के लोकसभा सांसद अश्विनी चोपड़ा ने की। उपायुक्त मेघा कटारिया ने बैठक में पहुंचने पर सांसद अश्विनी चोपड़ा का स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया। अतिरिक्त उपायुक्त सुजान सिंह ने इस बैठक के सभी विभागों द्वारा कराए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद अश्विनी चोपड़ा ने कहा कि ग्रामीण विकास केंद्र तथा हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 जिनसों के MSP में अपेक्षाओं से अधिक बढ़ोतरी की है ताकि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। सांसद ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने इतने बड़े पैमाने पर MSP को बढ़ाया है, जिससे प्रदेश सरकार के खजाने पर 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस राशि से हरियाणा के धान, कपास, जवार, बाजरा, मक्की, मूंग, अरहर, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल व अन्य फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को विशेष लाभ होगा। इस राशि से हरियाणा के किसानों को 1500 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। यही नहीं, केवल धान के किसानों को ही इस राशि में से 1200 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। वर्तमान सरकार के गत 4 वर्षों की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर प्रदेश के किसानों की सालाना आमदनी में 11,000 रुपये प्रति एकड़ की आमदनी बढ़ी थी, लेकिन इस वर्ष हरियाणा के किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ तक का फायदा हो जाएगा। मैं तो जिस दिन चुनाव जीत के गया था उसके अगले दिन ही आपको याद होगा पानीपत की गेस्ट हाउस, 2 दिन बाद ही पानीपत की गेस्ट हाउस में आप लोगों से मिला था। चुनाव मोड में तो हम पहले दिन से चुनाव नजदीक आए, नजदीक आते हैं तो फिर कैंडिडेट होते हैं, यहाँ जो उन्होंने चुनाव लड़ना होता है उनको तेज़ी तो करनी पड़ती पड़ता है लोगों से। दोबारा इससे पहले कि वोट मांगने जाएँ उनको पहले मिल के उनसे अपनी जो राय है उनकी जाननी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। पहले पानीपत में चुनाव होने वाला था 18 तारीख को, उसको कुछ हाँ एक प्रोग्राम था लेकिन वो हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई फिर मुझे, लेकिन उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद मैं दोबारा उसी दौरे पे फिर आया। सर आज के समय में आज अभी ताज़ा की रिपोर्ट है कि सब्जी मंडी के अंदर कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम लिखकर आम बेचे जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? ये मेरे लिए भी न्यूज़ है आप जो बता रहे हो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन जब पुलिस कुछ पुलिस अधिकारी से बात की, उन्होंने इसको आम बात कहकर टाल दी, ये तो फिर किसी साहब बैठे में हमारे नहीं आया मेरे लिए, पर अगर है तो आप चाहिए बाई चांस सब्जी मंडी में 1.5 घंटा लगा के आए वैसे ही जस्ट रूटीन चेक। अभी एक्चुअली हम शाम को ये अभी थोड़ी देर पहले ना आप लाए हैं सर, देख लेते तो देख लेंगे फिर मैं आपको। सर आने वाले टाइम में बीजेपी की क्या प्लानिंग है, कोई समझौता वगैरह कुछ इस तरीके का? अभी तो 1 साल पड़ा हुआ है, बड़ा लंबा पीरियड, 1 साल में बड़ा कुछ होता है राजनीति में, तो 2 दिन 1 दिन के अंदर घंटों में बदल जाता है सब कुछ। सर टोल के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं लेकिन टोल फ्री होनी वरना पानीपत के लिए ना। मैं भी बहुत आपको पता है मैं तो 2-3 बार जाके मिल के आया हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उनका ये कहना है वैसे तो आपको पता होगा कि बस्ताड़ा वाला टोल भी मैंने पीछे लग के झगड़ के जो भी किया कर करा दिया। अब यहाँ पर यह है कि जो कंपनी है वो L&T की कंपनी का है ये टोल पानीपत का, और इन्होंने मुझे जो वहाँ पर जो है ना अपना NH1 के सेक्रेटरी जो हाईवे के वो युद्धवीर सिंह मलिक हैं, वो मैं आपको बताया था पहले शायद वो मेरे साथ हम इकट्ठे पढ़े सहपाठी हैं, हम पढ़े हुए हैं इसलिए वो दोस्ती जारी भी है। तो उसको मैंने पूछा मैं कहा असली बात बताओ मैं अपनी जनता को बता सकूँ, तो उन्होंने कहा कि हमने L&T की कंपनी के साथ जब किया था कॉन्ट्रैक्ट तो लंबे पीरियड का कर दिया, बस्ताड़ा वाले कॉन्ट्रैक्ट जो था ना वो इतना वो इस तरह का नहीं था, ये पहला टोल यही बना था तो उसको कदर उन्होंने कर दिया। तो वो कहते हैं कि अगर हम इस अब इनके साथ अगर इनको कहेंगे करो जो नहीं करते तो हम अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर ये कोर्ट में जाके स्टे ले आएंगे फिर बात और ज़्यादा अड़ जाएगी, तो इसलिए। पर वो उन्होंने मुझे ये कहा है कि हम लोग को इनसे बातचीत मैं भी गया था L&T के अफसर भी आए थे उनसे बातचीत भी हुई 2 बार हुई मीटिंग मेरी,
और अब मैं दो तीन बार मंत्री जी को मिला था, अब कोशिश कर रहे हैं। रेट इन्होंने बढ़ा दिया बगैर किसी नोटिफिकेशन के। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, बड़ी मेरी तरफ से तो पूरी सर, पहले 5 रुपये था, जब आपने साइड से रास्ता निकलवाया तो उसके तुरंत बाद ही उन्होंने 10 रुपये कर दिया। हमारी तो कोशिश ये थी रास्ता खुला रहता जी, ठीक था, तो अब इन्होंने बंद कर दिया, तो उसके बाद ही किराया इन्होंने रेंट भी बढ़ा दिया। मैं मेरे संज्ञान में लाया हूँ, एक बार फिर मैं सेशन शुरू होगा तो मैं। अब आप ये बताइए सर, मान लो कोई भी टोल टैक्स लगता है, मुरथल में टोल टैक्स लग गया, वहाँ के 8 गांव भरी है, पानीपत की जनता का क्या कसूर है कि जो नहीं, मैंने आपको मैंने पूछा ना उनसे, इसलिए होना चाहिए ना जी, मैंने टोल टैक्स पे फ्री है, मैंने उनसे इसलिए पूछी है ना, उन्होंने क्या पहली ये गलती हुई कि सरकार से उन्होंने लंबा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर लिया है लंबे पीरियड का, वो कहते हैं अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के करते हैं तो ये कोर्ट में जाएंगे और स्टे ले आएंगे, फिर हम क्या करेंगे सर? कहीं ना कहीं कोर्ट में भी तो पब्लिक की फेवर हो सकती है सर, हो तो सकती है, मैंने उनको यही कहा, मैं आप थोड़ा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी निश्चित टाइम पे हो रहे हैं या उससे पहले हो रहे हैं? देखिए ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। आप करनाल लोकसभा से लड़ेंगे कोई और सीट से? मैं क्यों किसी और जगह जाऊँगा, मैं यहीं से लड़ूंगा, ये मेरी कर्म भूमि है, तो मैं अपनी कर्म भूमि में जहाँ मैंने इतने साल 4 साल मेहनत करके लोगों के साथ संपर्क बनाए हैं, काम भी थोड़े जो किए हैं आपको पता ही है, तो मैं क्यों इधर से जाऊँगा, मैं तो यहीं से लड़ूँगा। किरण मैडम का भी नाम हो सकता है आ जाए? किरण मैडम जो है ना वो सोशल सर्विस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उनका ये कहना मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। ठीक है, थैंक यू।